हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज क्रूड ऑयल क्या होने वाला है उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल 4 आवर चार्ट। तो आज पिवट पॉइंट 4167, फर्स्ट सपोर्ट 4001, सेकंड सपोर्ट 3899 एंड थर्ड सपोर्ट 3733, फर्स्ट रेजिस्टेंस 4269, सेकंड रेजिस्टेंस 4435, थर्ड रेजिस्टेंस 4537। सो जैसे कल मैंने एक लाइन दिया था सपोर्टिंग लाइन, जैसे आप देख सकते हैं ना, वीकली में दिया था मैंने एक सपोर्टिंग लाइन 3994 में, एग्जैक्टली जो वीकली 150 मूविंग एवरेज ने रेजिस्ट सपोर्ट बना के रखा हुआ था और मार्केट डाउन ट्रेंड था, तो इसको मैंने दिया था। तो इसलिए वीकली आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे, हम लोग को पहले क्या मिला, फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, राइट। हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा अराउंड 3705, नेक्स्ट सपोर्ट है ये। तो ये मैंने सपोर्ट क्यों डाला, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले मेनी टाइम्स दे आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल, सो हियर वीक दिस इज वीकली वाइज, सो दे आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस लेवल एंड दे मेट सॉरी। तो यहाँ पे वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन था, तो रेजिस्टेंस लाइन को मैंने एक सपोर्ट, अभी यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन बनाया। क्यों दिया यहाँ पे, बहुत बार इसको ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया था लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पाया, फिर से मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ से भी एक बना एक सपोर्टिंग लाइन। तो नेक्स्ट सपोर्टिंग लाइन ये आएगा, ठीक है, अराउंड 3705। तो अभी हम डेली में देखें तो डेली में कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 200 जो 200 मूविंग एवरेज होता है, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे हमें अप ट्रेंड मिल रहा था। तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लास्ट सपोर्टिंग जोन था, उसको ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ गया, तो इसमें आ गया हमें नेक्स्ट सपोर्ट 3994 और नेक्स्ट आएगा 3705, राइट, हमें सपोर्टिंग मिला। तो अभी देखेंगे 4 आवर, 4 आवर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड प्लेस हो गया 4 आवर में और एक रेंज में आया था। कल मैंने एक रेंज भी ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो रेंज ब्रेकआउट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेंज दिया था, एक रेंज से 4 आवर का एक रेंज मैंने ड्रॉ किया था, तो रेंज ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आके नेक्स्ट सपोर्टिंग रेंज आ गया। तो मुझे लगता है अगर इसको तोड़ दिया तो अराउंड 3994 को तोड़ दिया तो इसमें 3705 मार्केट आ सकता है यहाँ पे। तो इसलिए हमें देखेंगे अभी 1 आवर टू 1 आवर में आप देख सकते हैं परफेक्टली सेल मिला हुआ है, राइट, परफेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैंने जूम किया तो आप देख सकते हैं मार्केट परफेक्टली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट। तो डाउन ट्रेंड में एक बात याद रखना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आप कभी भी बाय मत लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना बना के आया, फर्स्ट रेजिस्टेंस लोअर लो बनाया, मार्केट पुल अप अगेन रेजिस्टेंस लाइन, 50 मूविंग एवरेज मार्केट डाउन अगेन मूविंग एवरेज, बट हियर यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज ने रेजिस्टेंस बनाया लोअर लो, फिर से वो 50 मूविंग एवरेज लोअर रेजिस्टेंस बनाया लोअर लो, 50 मूविंग एवरेज लोअर लो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक सपोर्टिंग मिला हमें, तो फिर से मार्केट पुल अप हो सकता है थोड़ा, कहाँ पे 20 मूविंग एवरेज और 50 आसपास, उसका बाद ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा देर रुकना चाहिए, आइदर यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन सॉरी सपोर्टिंग लाइन, तो इसको ब्रेकआउट करे तो एंट्री हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे पुल अप होगा कहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के आसपास, राइट। तो 50 मूविंग एवरेज के आसपास जब मार्केट ऊपर आएगा फिर से डाउन ट्रेंड का सिग्नल देगा, जैसे CCI और स्टॉक्सटिंग ने डाउन ट्रेंड सेल का सिग्नल दिया था, तब आप सेल जा सकता है, ठीक है। अगर आप 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में भी देख सकते हैं कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड और अभी मार्केट ओवर सोल जोन में है, तो मार्केट को थोड़ा ऊपर आने का चांसेस है, तो इसलिए आप थोड़ा
होल्ड कीजिए कि भी आप देखेंगे, अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक मैंने अगर ड्रॉ कर दिया क्या, एक रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट लाइन था तो मार्केट ऊपर खींच सकता है ऊपर के, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 100 और 50 मूविंग एवरेज, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई देगा। तो यहाँ से फिर से सेल सिग्नल आएगा, जैसे सी सी आई ने यहाँ पे सेल सिग्नल, स्टोकेस्टिक सेल सिग्नल, ठीक ऐसे ही सेल सिग्नल देगा यहाँ पे अराउंड 4136 का आसपास, तब आप सेल में जा सकता है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।